अभी मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ रामप्रीत मंडल जी हैं, वो एनडीए के कैंडिडेट है और आज जेपी नड्डा जनसभाओं को संबोधित करने आए। तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं लोगों को बीच बताएं। जेपी नड्डा जी आए थे और यहाँ पे जनसभाओं को जोरदार तरीके से संबोधन किया। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। जी आए थे, किस तरह से कार्यक्रम रहा? आज झंझारपुर के लोकप्रिय उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी के समर्थन में जेपी नड्डा जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम, और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सुनने के लिए लाखों की संख्या में यहां लोग उपस्थित उस मैदान में, और पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, इस उत्साह से बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए अपार वोट से जीतेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीटों जिता के जो फिर से प्रधानमंत्री बनाने का पूरा देश ने मन बना लिया है। अच्छा, जिस तरह आप सैनिक का नेता है, गांव-गांव घूम रहे हैं और मुकेश सैनी कर रहे हैं, सब सैनी समाज हमारे पक्ष में, क्या सही लग रहा है? आपको बता देना चाहता हूँ कि वही मुकेश सैनी हैं जो पहले जिसके साथ गोदी में बैठ कर गठबंधन किए उसी के बारे में बताए थे 2020 में, ये अति पिछड़ा समाज और सैनी समाज के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है और उसी के साथ फिर जाके वो गोदी में बैठ के समझौता कर लिया। कौन सा समझौता किए हैं वो तो वही बताएंगे, और इतना तो जरूर बता देते हैं पूरे बिहार के खासकर शहरी समाज के लोग अब उसको खड़ा नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार भी 3 टिकट मिला, तीनों टिकट दूसरे जात के हाथों सौदेबाजी करके बेच दिया। इस बार भी आपको 3 टिकट लोकसभा में मिला और तीनों टिकट वो शहरी समाज को नहीं देके दूसरे समाज में जाके खरीद बिक्री करके बेचने का काम किया। इसलिए पूरे बिहार के मतदाता, खासकर शहरी समाज के भी मतदाता उससे आक्रोशित है और एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन के पूरे बिहार में उम्मीदवार को जिताएंगे और हमारा जो विरोधी होगा वो ध्वस्त होगा। क्या नाम हुआ आपका? सुनील भारती सहनी, प्रदेश सचिव जनता दल बिहार। नड्डा जी आए हैं, किस तरह से कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आज राजनगर के धरती के राज मैदान में अप्रत्याशित भीड़ जमा हुआ और नड्डा जी के आने से यहाँ बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ा। हमारे एनडीए के उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी को फिर से सबने अपना विश्वास दिलाया है, पुनः उनको सांसद बनाएंगे और झंझारपुर हम लोग 4 लाख से ऊपर से निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं पप्पू पटेल, जदयू अध्यक्ष राजनगर, लोगों से आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट 7 मई को तिरछा पर दे के हमारे उम्मीदवार को विजय बनावे। भाषण दिया, कैसा लगा उनका भाषण? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस साल जो मोदी जो है जिंदाबाद की नारा हम लोग लगा दिए हैं, और जिस हालत में हो पूरी पब्लिक जो है एकदम बीजेपी की सरकार बनेगी। जब तक मोदी रहेंगे तब तक हम लोग झुकेंगे नहीं, यहाँ से कारगिल बॉर्डर तक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सिंह, बॉलीवुड का एक्टर। घर कहाँ हुआ? मेरा घर पड़ता है राजनगर रही गाँव